हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मदन मोहन जी जा रहे हैं और अचानक आज हम लोगों का प्लान बना और निकल लिए। आज हम लोगों की छुट्टी भी थी तो सोचा कि दर्शन करके आते हैं भगवान के। हिंडौन में जो कि जिला करौली मदन मोहन जी पढ़ते हैं और आज उसी के लिए निकले हैं। आपको मैं मेरे मित्र आशीष जी को दिखाना चाहूँगा, आपको दिख रहे होंगे। और हम लोग बाइक पर जा रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला है जाने का आज। और वहाँ पर आपको मैं दर्शन भी कराऊंगा मदन मोहन जी के। और कल मेरा दिल्ली जाना हुआ था तो हालांकि मैं उसको आपको इसमें वीडियो में नहीं बना पाऊँगा, टाइम नहीं मिला पाया था। और आज मैं आप ये देखिएगा आप लोग सीन रोड वगैरह आपको मैं दिखाना चाहूँगा। NH पर हम लोग चल रहे हैं और आगे जैसे जैसे मैं हम मंदिर पहुँचेंगे जो भी मुझे दिखाने लायक कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। आज रिसेंटली भाई जी हम लोग मदन मोहन जी पहुँच चुके हैं और राधा मदन मोहन जी प्रवेश द्वार में आपको आप लोग देखिएगा, मदन मोहन जी का प्रवेश द्वार है। और यहाँ से हम लोग मदन मोहन जी मंदिर के लिए आगे जाएंगे। काफ़ी ऊंचाई का रास्ता, आखिरी बार जब हम आए थे तो यहाँ पर अब तो टाइल्स वगैरह कुछ लगा दिया गया है, पहले पट्टियाँ थी यहाँ पर। काफ़ी 6-7 साल पहले मैं आया हुआ था यहाँ पर। गलियों में जाके मंदिर है और राधा कृष्ण का मंदिर जिसे मदन मोहन जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी सकड़ी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और ये हमारे मित्र आशीष जी, हम लोगों ने एक साथ स्कूल में काम किया था और ये भी अपनी मनोकामना के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको आगे की चीज़ों को मैं आपको जैसे ही वीडियो को आगे वाली सभी चीज़ों की दिखाऊंगा। अभी ये तो रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। गाइस हम लोग मदन मोहन जी मंदिर में आ चुके हैं। मैं आपको इसका बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा किस तरीके से है। आप लोग मेरे कैमरे में देख लेंगे मंदिर श्री मदन मोहन जी महाराज करौली राजस्थान। और पूरा आपको मैं व्यू दिखाना चाहूँगा इसका प्रवेश द्वार। और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे लगता है ऐसी धार्मिक जगहों पर आकर, अच्छा एहसास भी होता है। अब हम इसके प्रवेश द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जूते चप्पल रखने की व्यवस्थाएं भी हैं और काफ़ी लोग श्रद्धालु आते हैं जाते हैं, ज़्यादा भीड़ वगैरह इतना कोई इशू नहीं है। और ये मंदिर का मैं आपको पूरा सीन यहाँ से दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा माहौल, शांत माहौल और जूते चप्पल रखने की यहाँ व्यवस्था की गई है। और हाथ वगैरह धोने का टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था यहाँ से की गई मंदिर के बाहर से। मैं आपको यहाँ पर दर्शन दिखाऊंगा। हमारे मित्र फूल वगैरह लेके आ गए और पत्थरों से बना हुआ है, चीज़ों का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। ये मंदिर का प्रवेश द्वार और फोटोग्राफी भी मना है। तो गाइज एक चीज़ तो मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है मंदिर परिसर में फोटोग्राफी करना सख्त मना है। आई होप आगे का वीडियो शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और फिर भी बाहर से जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लोगों का आस्था का प्रतीक किस तरीके से इन्होंने पत्थरों से बनाया गया है। शायद मैं यहीं तक मैं आपको दर्शन करा पाऊँगा। सर आगे की चीज़ें मैं अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी मना कर रखा है। तो गाइस बाहर से भी बाहर का नज़ारा भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो मदन मोहन जी का मंदिर, भगवान राधे कृष्ण का मंदिर, मंदिर का आगे का नज़ारा मैं आपको दिखा दूँगा। जैसे लोग आए हुए हैं जहाँ तक कैमरे में रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ वहाँ मैं आपको दर्शन करा दूँगा। प्रसाद वगैरह लेने का सिस्टम बना हुआ है और ये मदन मोहन जी का मंदिर का, फिर वहाँ जाके मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊँगा बट उससे पहले भक्त वगैरह हैं, कैसे भजन चल रहा है यहाँ पर। और मंदिर काफ़ी पुराना है, मान्यता काफ़ी है, लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। प्रसाद प्राप्त करने का यहाँ पर काउंटर भी बना हुआ है, ये प्रसाद लेने का काउंटर है। यहाँ पर रेट लिस्ट भी लिखी हुई है तो प्रसाद ये हमारा दे रहे हैं। यहाँ का प्रसाद भी काफ़ी फेमस है, टोकन कटाना पड़ता है उसके लिए, एक टोकन लेना पड़ता है और 30 रुपये का टोकन कटेगा और ये प्रसाद हमें आगे जाके मिलेगा जो कि पहले से चढ़ाया हुआ प्रसाद रहता है। और काफ़ी मंदिर की